है और माफी चाहता हूँ, देर हो गई इतनी ज्यादा, वो चला दीजिए बस इतनी रहने दीजिए, माफी चाहता हूँ इतनी देरी से आपको इंतजार करवाना पड़ा इस टेक्निकल गलती के लिए। आज हम आपके सामने बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है उसमें हुए एक सर्वेक्षण के परिणाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरा देश इस वक्त एक दूसरे सूखे से गुजर रहा है। पिछले साल भी इस देश में सूखा था और इस साल फिर ये लगातार दूसरा साल है जबकि देश में सूखा पड़ रहा है, और पिछले 100 साल में ये सिर्फ तीसरी बार है जबकि 2 साल लगातार सूखा पड़ा है। बैक टू बैक सूखा एक सेंचुरी में सिर्फ तीसरी बार पड़ रहा है। इस सूखे का जो असली केंद्र है नेक्स्ट, वो दरअसल बात पहले दूसरी जगह हुई थी लेकिन ये दरअसल इस सूखे का केंद्र उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इलाका था सूखे का, और उसका जायज़ा लेने के लिए हमने पूरे देश में एक यात्रा की थी। तो ये आपको दिखा रहा है रूट उस यात्रा का। ये कर्नाटका से शुरू होकर पिछले महीने संवेदना यात्रा हमने की थी। 2 अक्टूबर को वो यात्रा कर्नाटका की यादगिरि जिले से शुरू हुई थी और उसके बाद तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा होते हुए वो यात्रा 15 अक्टूबर को ख़त्म हुई थी। उस यात्रा में देश में सबसे ज़्यादा सूखा जहाँ पड़ा था उन सब इलाकों के हमने समझने की कोशिश की, और उस यात्रा के दौरान जब हम बुंदेलखंड पहुँचे तो हमें महसूस हुआ कि उस इलाके की अवस्था तो देश के किसी भी इलाके से बहुत ख़राब है। हमने सुना था मराठवाड़ा के बारे में जहाँ बहुत बुरी अवस्था है, लेकिन बुंदेलखंड में जाके हमें लगा कि यहाँ तो शायद अकाल जैसी स्थिति बन सकती है, सिर्फ सूखा नहीं। और इसलिए हमने बुंदेलखंड, ये जो है ये 7 जिले उत्तर प्रदेश का, मैं बुंदेलखंड की जो बात कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, अभी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की आज हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जाके इस बुंदेलखंड इलाके में हमने रियलाइज़ किया कि ये इलाका है जहाँ पिछले 3 साल से सूखा पड़ रहा है, और यही नहीं, जब एक बार बारिश हुई अच्छे से वो इतने अच्छे से हुई कि उससे इस साल की रबी की फसल और ख़राब हो गई। तो लगातार 4थी 5वीं फसल वहाँ ख़राब हो रही थी। इतनी गंभीर स्थिति थी कि हमें महसूस हुआ कि वहाँ कुछ ध्यान से समझने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमने कुछ अर्थशास्त्रियों से भी बातचीत की और एक सर्वे करने का फैसला किया। इस सर्वे में अपनी यात्रा समाप्त होने के बाद हम वापस बुंदेलखंड गए, वहाँ एक सर्वेयर की टीम को ट्रेन किया, वहाँ बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड आपदा राहत मंच करके एक तैयार हुआ है वहाँ के नागरिकों का, जिसे वहाँ की तमाम संस्थाओं का सहयोग प्राप्त है, भाई संजय सिंह उसके अंदर शामिल हैं। इन सब के सहयोग से हमने वहाँ एक टीम खड़ी की और उस टीम को पूरे बुंदेलखंड में भेजा। हम 7ों जिलों में गए हैं, बुंदेलखंड के कुल 27 तहसील हैं, हम सभी 27 तहसील में गए और हर तहसील में हमने 4 गांव सेलेक्ट किए। कैसे किए? प्योर रैंडम, प्योर लॉटरी से, पॉपुलेशन सेंसस से गांव के नाम लिए। जो गांव 50 हाउसहोल्ड से छोटे थे उनको छोड़ दिया, तो जो बड़े साइज़ के जितने भी गांव हैं उनमें से रैंडमली सेलेक्ट किया। वो आपको अभी तस्वीर में दिखाऊँगा कहाँ कहाँ हम गए। हर गाँव में हमने 12 घरों का, हाउसहोल्ड्स का जाके सर्वे किया, घर के अंदर बैठ के पूरा वहाँ से रसोई में क्या बना इत्यादि से लेके सब चीज़ें समझने की कोशिश की। इनमें से 8 हाउसहोल्ड तो वो थे जिनको हमने रैंडमली सेलेक्ट किया। रैंडमली कैसे सेलेक्ट किया? मनमर्जी से नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आजकल चुनाव चल रहे हैं पंचायत के, तो लेटेस्ट पंचायत चुनाव का जो वोटर लिस्ट थी उस गाँव की, उस वोटर लिस्ट से लॉटरी लगा के हमने 8 गाँव से 8 सेलेक्ट किए हैं, 8 घर तो प्योर रेंडमली सेलेक्ट किए, जिसमें अमीर भी हैं गरीब भी हैं, गांव का हर तरह का व्यक्ति है। लेकिन उसके अलावा हमने गांव में जाके पूछा कि आपके हिसाब से सबसे गरीब लोग कौन हैं, तो जो लोगों ने बताया, हालांकि इसका हमारे पास कोई वो तरीका नहीं है, परपजिव सैम्पलिंग थी वो उसकी, उनमें से 4 घरों को हमने लिया जो सबसे गरीब घर थे। तो कुल मिला के हमने 1206 घरों का सर्वेक्षण किया
जिनमें से 807 तो वो थे जो कि रेंडमली सिलेक्टेड हैं, और 399 घर वो हैं जो कि गरीब होने के क्राइटेरिया पे जिनको सेलेक्ट किया गया था। हर घर में गए, दो तरह की क्वेश्चनेयर थी, उसका इस्तेमाल किया। ये दशहरे और दिवाली के बीच में सर्वेक्षण हुआ है। एक मायने में वो बहुत गलत समय था, क्योंकि वो बुंदेलखंड में पलायन का समय होता है, लोग छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर रहे होते हैं घर अपना, और दिवाली के बाद बिल्कुल एग्जोडस शुरू हो रहा है वहाँ। लेकिन हम जब पहुँचे तो कुछ लोग जा रहे थे, घरों में ताले लगे हुए थे, कुछ लोग बचे हुए थे। तो उस लिहाज से वो जो पलायन वाला पक्ष है वो हम पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बीच रस्ते में हम पहुँचे थे। वॉलंटियर्स को हमने ट्रेन करके भेजा था। इस सर्वे के लिए हमने कहीं किसी से कोई ग्रांट नहीं लिया है, स्वराज अभियान ने जो थोड़े से पैसे लगाए, और वॉलंटियर सब ने कहा कि बिना एक भी पैसा लिए सब लोग इसमें काम करेंगे। तो ये कोई ग्रांट कोई किसी चक उससे नहीं है सर्वे। नेक्स्ट, ये गांव है जिनकी लोकेशंस पे हम गए थे। ये 108 गांव है, जैसा आप देख सकते हैं, ये गाँव पूरे बुंदेलखंड के लगभग हर इलाके में चित्राए हुए हैं। मोटे तौर पे हर तहसील में 4, एक तहसील में चित्रकूट में, क्योंकि तहसीलों का अभी डिवीज़न फ्रेश हुआ था और हम उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को समझ नहीं पाए, तो वहाँ एक में 5 और दूसरे में 3 हो गया, बाकी सब में 4-4 किया था। नेक्स्ट, इस सर्वे में हम इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, 3-4 लिमिटेशन हमें ध्यान रखनी होंगी इस सर्वे की। एक तो ये कि ये सर्वे है, यानी कि ये लोगों के रिपोर्टिंग पे बेस्ड है। ये आपको एक ब्रॉड पिक्चर दे सकता है, लेकिन अगर आप पूछें कि इस गांव का बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस, वो एक सर्वे नहीं कर पाता। सर्वे आपको एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सर्वे है। दूसरा, ये लोगों के रेस्पॉन्सिस पे बेस्ड है। अगर लोगों का रेस्पॉन्स में थोड़ा बहुत कहीं अतिशयोक्ति हो, एग्जेजरेशन हो, तो उसको हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई और चेक नहीं किया है। इसमें दो आस्पेक्ट्स हैं जिसमें शायद कॉशन की ज़रूरत है। एक तो क्रॉप लॉस का लोगों ने जो एस्टीमेट दिया है, वो गांव में जाते हैं आप पूछते हैं क्रॉप लॉस के बारे में, तो लोगों को लगता है कि शायद इस उसमें थोड़ा सा लोग बढ़ा के बताते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है, तो उसको हमने अलग से चेक नहीं किया है। और दूसरा, जो लोगों ने डेथ्स की रिपोर्ट की है, काफ़ी बड़ा फिगर है जहाँ भुखमरी से डेथ की रिपोर्ट हो रही है, लेकिन हमने उसको इंडिपेंडेंटली जाके वेरीफाई नहीं किया है। तो ये केवल लोगों के रेस्पॉन्सेज हैं। ये एक रैपिड सर्वे है, उस तरह का नहीं जिस तरह का नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर सर्वे करता है, जो बहुत सबसे एस्टेब्लिश सर्वे है देश का, जिसमें एक एक इंटरव्यू एक एक दिन में होता है, वैसा नहीं है। एक दिन में हम पूरे गांव का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो और इसमें कुछ एरर्स माइनर हो सकती हैं, उस तरह का बहुत रिग्रस साइंटिफिक नहीं है, एक रैपिड असेसमेंट है। पहली चीज़, क्रॉप लॉस कितना है, ये सेल्फ रिपोर्टेड क्रॉप लॉस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो नंबर्स यहाँ लगे हैं, ये वो लोग हैं, कितने परसेंट हाउसहोल्ड ऐसा कह रहे हैं कि मैंने ये वाली फसल उगाई। ये सिर्फ उन्हीं के परसेंटेज हैं जिन्होंने फसल उगाई है, जिन्होंने फसल नहीं उगाई उनको बाहर रख दिया गया इसमें से, और जो कह रहे हैं कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब आप देखिए, ज्वार, बाजरा, मूंग, सोयाबीन, इसमें तो 90% प्लस पीपल हाउसहोल्ड्स आर सेइंग दे हैव लॉस्ट द क्रॉप एंटायरली। द ओनली क्रॉप विच हैज समवट एस्केप्ड इज तिल। वहाँ की बहुत बड़ी फसल है तिल, तिल पे थोड़ा सा कम असर हुआ है। तिल ट्रेडिशनली वो फसल है जो कि बहुत कम पानी में भी बच जाती है, लेकिन तिल के केस में भी 61% लोग कह रहे हैं कि हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। मतलब जो बेस्ट है उसकी ये हालत है, 61% लोग कह रहे हैं टोटल बर्बाद हो गई। तो मैं जस्ट फिर क्लैरिफाई कर दूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तिल की फसल में 61% डैमेज हुआ, हम कह रहे हैं कि 61% लोग कह रहे हैं कि उनकी 100% बर्बाद हो गई, बाकी कह रहे हैं 75%, 50%, 40% एटसेट्रा। तो फसल के डैमेज का फिगर तो इससे भी काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ये परसेंट हैं जो कह रहे हैं कि फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। ये सरकारी एस्टीमेट से कहीं ज़्यादा है। सरकार ने अब एडमिट करना शुरू किया है कि हाँ फसल बर्बाद हुई, लेकिन दीज आर वेरी शॉकिंग फिगर्स, सरकारी एस्टीमेट से बहुत बड़े फिगर्स हैं ये। साथ में पिछली बार रबी की फसल पे कितनों पे असर हुआ था, 96% हाउस होल्ड्स कह रहे हैं कि हमारी रबी की फसल भी
प्रभावित हुई थी, वहाँ पे जो ओलावृष्टि हुई थी उससे। पानी, पानी का क्राइसिस जो वहाँ है। नेक्स्ट, वहाँ पे गांव में पानी का सबसे बड़ा सोर्स है हैंडपंप, और गांव-गांव में हमने जाके पूछा कि कितने हैंडपंप हैं, कितने काम कर रहे हैं। तो 31% हैंडपंप काम नहीं कर रहे हैं, लगे हुए हैं काम, मतलब इतने क्राइसिस में जहां पानी का क्राइसिस है, बारिश नहीं हो रही है, वहां इतनी मिनिमल चीज में भी दिक्कत है, 31% हैंडपंप काम नहीं कर रहे हैं गांव में। 3/4 गांव ऐसे हैं जहां 20 या कम हैंडपंप है पूरे गांव के लिए, और ये ठीक ठाक आबादी वाले गांव। पिछले साल की तुलना में पानी आपका कम हुआ, 65% लोग कह रहे हैं कि हाँ गाँव में पानी कम हुआ। पिछले साल से तुलना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पिछले साल भी ड्राउट था वहाँ, तो ऐसा नहीं है कि पहला ड्राउट हुआ, पिछले साल कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, यहाँ पानी कम हुआ है। पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, पानी में वो जो आर्सेनिक और वो आ रहे हैं, शायद ज़्यादा नीचे से डिग कर रहे हैं, उसकी वजह से पानी की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है। गाँव-गाँव में झगड़े, ये हमने पहले शुरू में किया तो थोड़ा सा लगा कि हाँ तो वैसी छोटी सी सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी रिपोर्ट आ रही थी गांव में मारपीट झगड़े पानी के ऊपर, तो हमने इसको चेक किया कितने गांव से रिपोर्ट है। 66% गांव से रिपोर्ट आ रही है कि पानी पे झगड़े हो रहे हैं लोगों के। वो गांव जहां की औरतों को पानी लाने के लिए कम से कम 1 घंटा या इससे अधिक लगता है, 51% गांव, आधे गांव में औरतों को पानी लाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उनका रोज सिर्फ पानी लाने में लग रहा है। और जो घरों से पूछा तो पानी की जो दिक्कत है, 38% घर रिपोर्ट कर रहे हैं कि पानी की दिक्कत है। यहाँ आपको वैसे मैं बता दूं, ये जो परसेंटेजेस हैं विलेजेस के परसेंटेज हैं, ये हाउसहोल्ड्स का परसेंटेज नहीं है, विलेजेस का परसेंटेज है। नेक्स्ट, दिस इज द हार्ट ऑफ द सर्वे। सर्वे में हम ये देखना चाह रहे थे कि लोगों के खाने पे क्या असर पड़ा है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहला जो इम्प्रेशन हमारा था कि ये सूखा कहीं अकाल में तो नहीं बदल रहा, क्योंकि सूखा आने भर से फेमिन नहीं आता, पुराने स्टॉक्स पड़े होते हैं, लोग अपने रिजर्व्स में डिपेंड करते हैं, कभी कभी सूखा अकाल में बदलता है। और जैसा इकोनॉमिस्ट लोगों ने बार बार बताया है कि सूखा अकाल में तब बदलता है जब लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। आपके ग्रेन्स में जितने भी स्टॉक पड़े हों उससे फर्क नहीं पड़ता, परचेजिंग पावर अगर गिर रही है तो वो होता है। तो हमने लोगों से पूछा, पिछले 30 दिन में आपने कितनी बार सब्जी खाई, कितनी बार दाल, कितनी बार घर में बच्चों ने दूध पिया, अंडा, मछली, सब कुछ पूछा लोगों से। औसत घर में, जनरल, आप पोरेस्ट को भी छोड़ दीजिए, आप जनरल घरों का देख लीजिए, जो 8 रेंडमाइज घर हमने चुने थे जिसमें अमीर गरीब सब घर आ रहे हैं, एवरेज सिर्फ 13 दिन लोगों ने सब्जी खाई है पिछले 1 महीने में, सिर्फ 4 दिन दाल खाई है। और ये इलाका है जो देश का दाल प्रोड्यूसिंग इलाका है, अरहर, मूंग, उड़द, उसका और तूर, इन सब का मतलब प्रोडक्शन सेंटर है देश का, ये यहाँ पे ये स्थिति है। दिन में, महीने में 4 दिन, पिछले 1 महीने में, और जनरल हमने एवरेज नहीं कहा था, स्पेसिफिकली कहा आज से 30 दिन तक, पिछले 30 दिन, पिछले 1 महीने में कितनी बार आपने दाल खाई होगी? 4 बार सिर्फ, 6 बार दूध, 6 दिन दूध कंजम्पशन हुआ है बच्चों सहित। एग, मीट वगैरह, खैर वो ज्यादा उस तरह का इलाका नहीं है जहां इसका कंजम्पशन हो, 1 दिन से भी कम है। ये सिर्फ इसके लिए देखने था कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या है और प्रोटीन के ऑल्टरनेट सोर्सेज क्या है। इसी बात को देखने का दूसरा तरीका ये होगा कि ऐसे कितने घर थे जहां 10 दिन से ज़्यादा उन्होंने सब्जी का कंजम्पशन किया, ऐसे कितने घर थे। तो ये देखिए, सिर्फ 47% घर थे जिन्होंने 10 दिन से ज़्यादा सब्जी खाई होगी, मतलब आधे घर थे जहां 10 दिन से ज़्यादा सब्जी नहीं खाई गई। दाल का देखिए, दाल इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्रोटीन का सोर्स है हमारे इधर, बहुत मेजर वो। 39% घरों में 1 दिन भी दाल नहीं खाई, पिछले 1 महीने में 1 दिन भी घर में दाल नहीं बनी, 39% एवरेज घर है। और गरीबों में पूछा तो 53% गरीब हैं जो 1 दिन भी दाल नहीं खाए हैं पिछले 30 दिन में।
मिल्क जीरो कंजम्पशन किन घरों में है, 60% घर कह रहे हैं जीरो कंजम्पशन फिगर है। हमने गांव में जाके पूछा कि आपके गांव में होली से लेके अब तक क्या किसी के भुखमरी से मरने की खबर आई आपके गांव से। 38% गांव यानी कि 108 में से 41 गांव कह रहे हैं कि हाँ हमारे गांव में कम से कम एक मौत भूख से हुई है। अब ये बहुत शॉकिंग डेटा है और इसलिए मैं इसको कॉशियसली प्रेजेंट करना चाहता हूँ। हमने जाके घर से पूछा नहीं है और इस तरह का इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है। शायद सेकंड राउंड में हमें जाके वेरिफिकेशन भी करना चाहिए, लेकिन अगर इसमें से आधा भी सच है तब भी ये बहुत ही शॉकिंग फिगर्स है, क्योंकि सरकार के हिसाब से अभी भूख की मौत बिल्कुल नहीं हुई है वहाँ। और यहाँ 38% गाँव कह रहे हैं कि होली से लेके अब तक हमारे गाँव में, मेरे अपने गाँव में भूख से मौत हुई है। नेक्स्ट, ड्राउट से, अकाल से रिलेटेड कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं, उन सबको भी हमने ट्रैक किया है। क्या बच्चे को मजदूरी के लिए भेजना पड़ा मजबूरी में, ये सब होली से लेके अब तक का है। 24% कह रहे हैं कि हाँ बच्चे को भेजा, बच्चे को स्कूल से हटाना पड़ा। 22% घर कह रहे हैं कि बच्चे को स्कूल से हटा लिया हमने इस दौरान में। 36% कह रहे हैं कि खाने के लिए हमें मांगना पड़ा कहीं से। वहाँ पे एक परंपरा है जिसको अन्ना बोलते हैं, पता नहीं क्यों। वो परंपरा ये है कि लोग अपने जानवर को छोड़ देते हैं, जब खाना चारा अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोड़ देते हैं, अगले साल वापस अगर मिल जाए तो ले आते हैं, उसको अन्ना करना कहते हैं। तो 27% हाउस होल्ड्स कह रहे हैं कि हमें पिछले 8 महीने में अपना जानवर छोड़ना पड़ा। 40% जो हैं ओनर्स, कैटल ओनर्स, वो कह रहे हैं कि हमें बेचना पड़ा, दाम गिर गए हैं पशुओं के और उन्हें बेचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। 40% पशु वो कर रहे हैं। 27% लोग कह रहे हैं कि पिछले 8 महीने में ज़मीन या तो गिरवी रखनी पड़ी या बेचनी पड़ी। 24% लोग कह रहे हैं गहने गिरवी रखने पड़े या बेचने पड़े। ये सारी चीज़ें, मतलब बिल्कुल जो अकाल जब आता है उसके एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जो सब हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके जस्ट पहले और उसके शुरुआत में जो आपको दिखाई देते हैं। कितने घर इंडेटेड हैं? 71%। शायद नेशनल आंकड़ा इसका 52% है। 50% के करीब घर पूरे देश भर में इंडेटेड हैं रूरल। यहाँ पे 71% हैं। उनसे पूछा कि पिछले होली से लेके अब तक आपका कर्ज बढ़ा या घटा, 97% कह रहे हैं कि बढ़ा। और नहीं तो ब्याज तो बढ़ ही रहा है ना, कर्ज बढ़ रहा है, आप वापस पे कर पाएंगे, करने की कोई स्थिति नहीं है, 87% कह रहे हैं। तो कितनी ओवरऑल डिस्ट्रेस की इस वक्त सिचुएशन है वहाँ, इन सब चीज़ों से आपको अनुमान लगता है कि इस वक्त पूरे इलाके में किस तरह का, मतलब मल्टी प्रॉन्ग डिस्ट्रेस है, जिसका फाइनल एस्पेक्ट कैटल की स्थिति है वहाँ पे। वहाँ जानवरों की क्या स्थिति है? नेक्स्ट, जानवरों का चारा काटना पड़ा है 77%। जानवरों ने दूध देना कम कर दिया है 88% लोग कह रहे हैं। जाहिर है उसको खाने को नहीं मिल रहा तो दूध तो कम होगा ही उसका। जानवर की जो अपनी कीमत थी वो कम हो गई है। और वहाँ बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में एक विशेष प्रॉब्लम हुई है कि जब चारा सूख जाता है उसका, तो वो सूख के एक केमिकल उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो पॉइजनस हो जाता है, और उस सूखे हुए चारे को अगर जानवर खा लें तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये 20% हाउस होल्ड, कैटल ओनिंग हाउस होल्ड रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा पिछले 8 महीनों में हमारा कोई कैटल ऐसा खाने की वजह से मर गया। फिर ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हाई फिगर्स हैं इस तरह के। ये मैंने जाके वहाँ डॉक्टर्स वगैरह से भी चेक किया था, तो उन्हें बताया था कि किसी कारण से जब चारा सूख के ऐंठ जाता है तो उसमें एक वो आ जाता है, एक कुछ साइनाइड का एक एलिमेंट आ जाता है, उसकी वजह से अगर जानवर, तो लोग चारों को जला रहे हैं जानवरों को बचाने के लिए इस वक्त वहाँ। तो ये 20% वो रिपोर्टेड है।
फिर गांव में, हर गांव में जाके हमने पूछा कि आपके गांव में कितने बाकी ठीक है, वो भैंस उसको बछड़े को छोड़ना ये सब तो सामान्य था, कितनी गाय या भैंस को छोड़ा गया है पिछले कुछ महीनों में। 36% गांव ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा गाय को छोड़ दिया गया है। ये पूरे इस देश में गौ हत्या पे जो बहस चल रही है, उनका मेरी वाकई इच्छा हो रही थी कि सबको पकड़ पकड़ के वहाँ लेके जाऊँ कि गौ को बचाना है तो इसको बचाओ। लोग छोड़ रहे हैं, मरने के लिए छोड़ रहे हैं अपने पशुओं को। 100 से ज़्यादा पशु एक गांव में छोड़ देना, एक तो उसका क्या इम्पैक्ट है, कितनी बड़ी चीज़ है। और वो जाएंगे तो किसी के खेत में मुंह मारेंगे, वो करेंगे तो उसको जो भी संभावना उसे और ख़त्म करेंगे, तो मल्टी प्रॉन्ग वहाँ क्राइसिस है इस चीज़ का। और 48% गांव इस डेथ को रिपोर्ट कर रहे हैं, पॉइजनस फॉडर वाली जो रिपोर्ट है। 48% गांव में रिपोर्ट मिल रही है, 20% हाउस होल्ड रिपोर्ट कर रहे हैं, 48% गांव कह रहे हैं कि कम से कम 10 एनिमल्स हमारे यहाँ मर चुके हैं इस चीज़ से। इस क्राइसिस में स्टेट एक्शन क्या है, राज्य क्या कर पा रहा है? अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने 2-3 चीज़ों को चेक किया। राशन पहला ऐसी चीज़ में सेवियर है, राशन। ज़्यादातर देश, ज़्यादातर राज्यों में APL BPL का डिस्टिंक्शन है। और हमने चेक किया कि कितने परसेंट गरीब हैं जिनके पास गरीबी का कार्ड है, गरीबी या अंत्योदय है, तो पता लगा आधे से कम गरीबों के पास गरीबी वाला राशन कार्ड है। और रफली अमीरों के पास, जो गरीब नहीं है उनके पास भी रफली उतने ही BPL कार्ड है। यानी कि BPL APL का कोई मतलब नहीं है। जो हमें गांव वालों ने बताया कि इस गांव के सबसे गरीब 4 घर ये हैं, यहाँ जाके आप बात कर लीजिए, उनमें से सिर्फ 42% के पास BPL कार्ड है, जबकि इन सब के पास अंत्योदय कार्ड होने चाहिए थे। कितना मिला उन परिवारों को? 25 किलो मिला, 35 किलो मिलने का एंटाइटलमेंट है उत्तर प्रदेश में, 25 किलो के करीब पिछले महीने उनको मिला है। और वो सब परिवार बाजार से खरीद के ला रहे हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मनरेगा, गरीबों में 59% परिवारों के पास मनरेगा कार्ड है, जॉब कार्ड। दरअसल अमीर गरीब सबके पास है, 59% है, तो अमीरों के जो इस ये नहीं है, सामान्य सबके पास है जॉब कार्ड वहाँ। लेकिन कितने दिन एम्प्लॉयमेंट मिला, ये होली से लेके अब तक पिछले 8 महीनों में एवरेज एम्प्लॉयमेंट, पर मंथ नहीं है, पिछले 8 महीने का एम्प्लॉयमेंट है 9.5 days। 10 दिन का रोजगार भी नहीं मिला है उस स्कीम के तहत जो स्कीम बनी थी सूखे को काउंटर करने के लिए, उस इलाके में जो देश का वर्स्ट अफेक्टेड इलाका है, और उस पीरियड में जबकि ड्राउट है, 10 दिन भी रोजगार नहीं मिला। और यहाँ पे सेंटर में डिक्लेरेशन होती है कि अपर लिमिट को 100 से बढ़ा के हमने 150 कर दिया। अरे आप उसको 1000 कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब मिल रहा है लोगों को 9 दिन और 10 दिन, तो आप उसको लिमिट चेंज कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरी स्थिति है इस वक्त उत्तर प्रदेश की। हमने ऐसे में बहुत अर्जेंट स्टेट एक्शन की ज़रूरत है। हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, उस चिट्ठी की कॉपी भी हम आपको दे रहे हैं। कहा था कि कई तरह के चेंजेस करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में हमने मांगा था कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में ड्राउट घोषित किया जाए, हमने कहा था कि बुंदेलखंड इलाके के लिए अलग से एक रिलीफ कमिश्नर होना चाहिए जो केवल बुंदेलखंड को अटेंड करे। वैसा शायद अभी तक नहीं हुआ है। पानी के क्राइसिस के लिए हमने कहा था और कुछ मत कीजिए आप, कम से कम जो टूटे हुए हैंडपंप है उनको तो ठीक करवा दीजिए, ये तो इमीडिएट हो सकता है, 15 दिन में ये काम किया जा सकता है और इससे लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा। जानवरों को बचाने के लिए हमने कहा था चारा छावनी, ऐसा कुछ जगह जहाँ चारा स्टोर किया जाए। महाराष्ट्र में स्कीम चलती है, हमने रिकमेंड किया था उत्तर प्रदेश में कि गाँव के नज़दीक चारा डिपो या चारा छावनी हो जहाँ से चारा उपलब्ध करवाया जाए जानवरों को। सिर्फ उन्हीं को नहीं जो घर में रहते हैं, उनको भी जिन्हें खेत में छोड़ दिया गया है, सब जानवरों को चारा उपलब्ध करवाया जाए। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने सुझाव दिया था कि मनरेगा में लोगों के एप्लीकेशन का इंतज़ार न किया जाए, बल्कि सरकारी अफसर गांव-गांव जाके उनसे फॉर्म भरवाएं। मैंने सुना है कि ये एक हमारे सुझाव है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वो पंचायत में कैंप लगाएंगे
जहाँ पे लोग आके मनरेगा के अपने फॉर्म भरेंगे ताकि उनको हाथों हाथ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मनरेगा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। किसानों को मुआवजा, कम से कम पिछले साल का मुआवजा तो दे दें रबी वाला, बाकी इस साल का मुआवजा तो आएगा, पिछले साल का मुआवजा देंगे तो स्थिति बचेगी कुछ। लोन और रिकवरीज के अंदर मदद दें, सॉरी प्रोवाइड फूड टू द हंग्री से भूल गया। एक हमारा मेजर रिकमेंडेशन ये था कि कम से कम बुंदेलखंड और बाकी सूखाग्रस्त इलाकों में APL और BPL का जो अंतर है इसे समाप्त कर दिया जाए। सब परिवारों को जो BPL का एंटाइटलमेंट है वो हर परिवार को दिया जाए, बिना कार्ड के, बिना APL, बिना BPL के, जिसे जाहिर है सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। जितने भी अभी लोन की रिकवरीज हैं उसको रोका जाए, इसमें से कुछ को उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड किया है, ज़्यादा को नहीं। और जो सुइसाइड हो रहे हैं उसके लिए एक अलग तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए, ये सब हमने रिकमेंड किया था। सो आप सबके माध्यम से इसी बात को मैं दोहराना चाहूँगा लास्ट। ये वो पूरी टीम है जिसने किया था, जैसे मैंने बताया जॉन्द्रेस जो इकोनॉमिस्ट हैं, रीतिका खेड़ा जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, फूड के ऊपर रिसर्च करती हैं, और संजय सिंह जो वहाँ झांसी में परमार्थ संस्था के निदेशक हैं और जो ये बुंदेलखंड आपदा राहत मंच जो है उसको चला रहे हैं। इन सब लोगों के सहयोग से हमने इसको डिज़ाइन किया था और ये तमाम साथी हैं जिन्होंने अपनी सेवाएँ मुफ्त में उपलब्ध करवाई, एक स्वयंसेवक की तरह गाँव में वहाँ काम किया, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम किया और इस सर्वे को सरंजाम दिया। तो निष्कर्ष में मैं फिर यही कहूँगा कि हमारे देश में तमाम चीज़ों की खबर चलती रहती है, किसने किसको क्या कहा ये खास तौर पे खबर बन जाती है हमारे देश में, लेकिन कभी कभी हम इस चीज़ को भी खबर बनाएं कि किसके पेट में क्या गया और किसके पेट में कुछ भी नहीं गया। और ये हम बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देख रहे हैं। अगर ये सर्वे कुछ भी इंडिकेट करता है तो वो ये कि शायद बुंदेलखंड वो पहला इलाका है जहाँ ये सूखा, देशव्यापी सूखा जो है वो शायद अकाल में बदल सकता है। और अकाल की दिक्कत ये होती है कि अकाल पूरे समाज को एक साथ नहीं पकड़ता, वो गांव के सबसे गरीब घर को चुपचाप से पकड़ता है और उसका हमें पता भी नहीं लगता। तो इसके लिए सरकार से हम अनुरोध करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि बुंदेलखंड की इस बिल्कुल आपद हालात को, इस इमरजेंसी कंडीशंस को देखते हुए जल्द से जल्द कई ऐसी चीज़ें करें जिससे कम से कम भुखमरी की नौबत ना आए, जिससे जानवरों के लिए जो इमरजेंसी और भुखमरी पैदा हो चुकी है उसको किसी तरह से उन्हें बचाया जा सके, ताकि हम लॉन्ग टर्म की सोच सकें, शॉर्ट टर्म में जिंदा रहे तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको काफ़ी देर रोक के रखा, आई एम अ पॉलिसी फॉर दिस।